पर जैमिनी योग में बताया गया है कि पराशर ज्योतिष के अनुरूप जैमिनी ज्योतिष में भी योग देखे जाते हैं। सामान्यतः राजयोग ही देखते हैं जो कुंडली के स्तर को दर्शाते हैं तथा जीवन की उपलब्धि भी दर्शाते हैं। हम यहाँ कुछ राजयोग देखेंगे जिसमें जैमिनी योग में लिस्ट दिया गया, इसमें कहा गया कि 5 कारक भाव स्वामी के परस्पर संबंध बनते हैं। पहला जो है वो है आत्मा कारक, दूसरा है आमात्य कारक, तीसरा है पुत्र कारक, चौथा है दारा कारक और पांचवा है पंचमेश, यानी पांचवें घर को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी। ठीक है, पंचमेश पांचवें घर का स्वामी, उसको भी इन्वॉल्व किया गया। इनके संबंध में जैसे जिस तरह से हमने उस तरह का जैसे पढ़ा था अभी, 10 योग बनते हैं, उसमें नीचे क्रमबद्ध दिए गए हैं, इसका संबंध उनकी युति और परस्पर दृष्टि से बनता है। ठीक है, परस्पर दृष्टि आमने सामने होना, और हालांकि इसमें वो वाला ग्रहों की दृष्टि वाला पूरा इफेक्ट नहीं आता है, आमने सामने वाले को ज्यादा जैमिनी सूत्र में वैल्यू दिया गया है, जिसमें पहला जो ये युतियों के बारे में जो हमने पढ़ा उसमें भी है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ऐड किया गया है वो है पंचमेश। ठीक है, सबसे पहला जो है एक और पॉइंट, ये दूसरा एक लिस्ट बना लीजिएगा आप लोग, इसमें जो है बताया गया पहला पॉइंट है वो है आत्मा कारक प्लस आमात्य कारक, दूसरा पॉइंट है आमात्य कारक प्लस पुत्र कारक, तीसरा पॉइंट है आत्मा कारक दारा कारक, चौथा पॉइंट है आत्मा कारक पंचमेश, आत्मा कारक प्लस पंचमेश, पांचवा पॉइंट है आमत्य कारक प्लस पुत्र कारक, छठा पॉइंट है आमात्य कारक प्लस दारा कारक, सातवां पॉइंट है आमात्य कारक प्लस पंचमेश, आठवां पॉइंट है पुत्र कारक प्लस दारा कारक, नवा पॉइंट है पुत्र कारक प्लस पंचमेश, और दसवां पॉइंट है दारा कारक प्लस पंचमेश। ठीक है, यहां पर कैसे क्या राजयोग किस तरह से बनते हैं वो बताए गए हैं। अगर किसी की भी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति या परस्पर दृष्टि होती हो, ये अच्छा राजयोग कारक मानते हैं जैमिनी सूत्रों के अनुसार। शुक्र या ये जो ऊपर में 10 पॉइंट लिखे गए हैं उसकी युति तो है ही, साथ में शुक्र और चंद्रमा की युति का भी परस्पर अगर दृष्टि रहे तो ये भी काफी शुभ माना जाता है। किस तरह का शुभ माना जाता है, ये नेम फेम देता है, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, चिंताशील बनाता है, यानी अच्छे थॉट्स क्रिएट कराता है, गांव में ऐसे लोगों के अच्छे थॉट्स आते हैं। एक ग्रहों की चंद्रमा पर दृष्टि एक सुंदर राजयोग बनाती है। अगर दो या दो से ज्यादा ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो चंद्रमा का फल बहुत अच्छा बनता है। ये जैमिनी दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, वीनस प्लस? नहीं, ये साधारण दृष्टि की बात कर रहे हैं। साधारण दृष्टि जो हम वैदिक में यूज करते हैं उसमें जो सप्तक सातवीं दृष्टि है वो सबसे ज्यादा प्रबल मानी गई। अच्छा, ठीक है। जैमिनी सूत्र यहाँ पर शुक्र ग्रह मतलब सॉरी ग्रहों के और जो कारकत्व को दोनों को मिलाकर यहाँ पर योग कारक चीजों को बता रहे हैं। जैसे इसको कैसे मिक्स करेंगे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि अनेक ग्रहों की चंद्रमा पर दृष्टि एक सुंदर राजयोग बनाता है। ठीक है, तो जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, सपोज आपके दसवें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको उसको शनि भी देख रहा है,
उसको सूर्य भी देख रहा है, उसको चंद्र भी सॉरी शुक्र भी देख रहा हो, दो या दो से ज्यादा ग्रह देख रहे हो, तो पर्टिकुलर जिस भाव में वो बैठा है उस भाव की जब दशा चलेगी तब आपको ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? मतलब चंद्रमा की जब दशा चलेगी? नहीं, चंद्रमा नहीं, इसमें जेमिनी में चंद्रमा की दशा नहीं, जेमिनी में चर दशा है, राशियों की दशा। अच्छा, राशि की दशा। हाँ, जिस भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है उस राशि की जब जब दशा अंतर दशा आएगी तब आपको रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेष राशि में बैठा है, मेष राशि में बैठा है। हाँ, जैसे इनका चंद्रमा बैठा हुआ है मेष राशि में, तो मेष राशि की जब भी महादशा अंतरदशा आएगी, प्रति अंतरदशा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, चर दशा बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे का सोचना है, इसमें एक स्टेप थोड़ा सा आगे सोचना। जितना हम दशा सोचते थे, क्या राशियों में दशा कैसे देखते थे, ग्रहों की दशा को देखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जिस जगह पे वो दृष्टि पड़ी है उस भाव को देखना है, बस ग्रह को नहीं देखना है। चंद्रमा जहां बैठा हुआ है उस भाव का कब जब दशा स्टार्ट होगी उस टाइम पे इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये तो मेरी पिछले साल की दशा थी, वो तो विमसोत्री दशा थी शनि की, वो तो उसकी नहीं थी चर दशा। तभी मैंने अभी तभी आपको बोला नहीं कि जेमिनी का सूत्र और विमसोत्री दशा यानी वैदिक सूत्र को मिलाकर बोला, उसमें भी सटीकता आ रही है। अच्छा, आप देखेंगे मिला जुला के रिजल्ट सबका एक ही जगह पे आएगा, लेकिन वो क्या है, हमने लॉन्ग कट पढ़ा हुआ है, बहुत लंबा है वो, और यहाँ पर जब आपको डिग्री समझ में आ गया तो फटाफट चार दशा के हिसाब से आप फलादेश करेंगे। इसको जैसे हम लोग जैसे रेगुलर यूज करते रहेंगे ना, तो ये इसमें फलादेश करने में ज्यादा मजा आएगा आपको, विंशोत्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर पहले चार दशाएं पढ़नी पड़ेंगी? हाँ, चार दशाओं को पढ़ना पड़ेगा। ये जैसे इस तरह से जाने के बाद हम जब दशाओं के बारे में पढ़ेंगे, कैसे दशा निकालते हैं, उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उस कैलकुलेशन को समझ के करेंगे तो वो इजीली निकल जाता है, बहुत इजी है। मतलब बस एक माइनस टू प्लस करना होता है, टू माइनस करना होता है। उच्च का ग्रह है तो सॉरी उच्च का ग्रह है तो वन प्लस करना होता है, और नीच का ग्रह है तो वन माइनस करना होता है।